Hi students, I am Ambarish Gupta, your maths teacher from Hari Maya International School. अब हम लोग exercise 1.4 solve करेंगे students. In this exercise, first question is that without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. जैसे first part है 13/3125. अब ये एक रेशनल नंबर है बेटा, और रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. बट हमें ये जानना है कि ये इनमें से कौन सा डेसिमल है, तो वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना चाहिए. बट ये मना किया गया है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते. कहा गया है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन. तो आखिर क्या तरीका है, चलिए दिखाते हैं हम आपको. ये जो नंबर है पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो है ये नंबर, ये टर्मिनेटिंग है बेटा. अब पता कैसे चला, देखिए फर्स्ट कंडीशन इज दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2n×5m. मतलब अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर्स हो या 5 की पावर हो, मतलब उसमें फैक्टर्स जो दिखे डिनोमिनेटर के उसमें सिर्फ 2 हो या 5 हो, ठीक है ना, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना. अब हम आपको चेक कराते हैं. चेकिंग को प्राइम्स 13 and 3125 हैव नो कॉमन फैक्टर्स. सो 13 and 3125 आर को प्राइम्स. कैसे, देखिए 13 के तो फैक्टर होने नहीं, वो तो भाई 13×1 ही रहेगा. बट 3125 के करते हैं तो ये आ गया 1×5 की पावर 5, और 1 को आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, राइट. सो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n×5m, वेयर n इज 0 एंड m इज 5. दस 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनमें आपने ये तो चेक कर लिया कि कौन सा डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक. लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ऐसे पार्ट्स थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, ठीक है ना, तो उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि डेसिमल में वो नंबर कैसा आएगा. तो जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट समझाया क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके रेस्ट पार्ट भी सिमिलरली आपको करने हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट ही आपको बताते हैं. देखिए 13/3125 हमने भी फैक्टर्स किए थे तो आए थे डिनोमिनेटर के 13/2×0×5 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2×5. अब हमने 2×5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए कि डिनोमिनेटर में 5 की मैक्सिमम पावर 5 है, तो हमें डिनोमिनेटर में 2 की भी मैक्सिमम पावर 5 बनानी है, ठीक है ना. और 2 की पावर तो नीचे 0 है, यानी 2 है ही नहीं, तो हमें 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई कर देना है. वो हमने जब किया तो हमें डिनोमिनेटर में 2×5 और 5×5 मिला, जिसको हम लिख सकते हैं 2×5 की होल पावर, ठीक है ना, 2×5 की होल पावर 5. तो 2×5 तो 10 हो गया, 10 की पावर 5. 10 की पावर 5 मीन्स 1 लाख, यानी कि 5 ज़ीरोस. और ऊपर क्या हो गया, 2×5 पावर 5 जो होता है, और × 13 वो हो गया 416. तो 416 के अपान में 1 लाख है, तो नीचे के जब सारे ज़ीरोज आप हटाएंगे तो 416 के पहले 2 ज़ीरो लगा करके डेसिमल पुट कर दीजिए, ठीक है. तो 0.00416, दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर 13/3125. क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो. इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट. इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वॉट कैन यू सी अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. देखिए ये जो नंबर फर्स्ट पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है. अब मैं आपको बता दूँ टर्मिनेटिंग पता कैसे चला. आप देखिए इसमें लास्ट डिजिट दी गई है 9, और 9 के आगे कोई नंबर तो है नहीं, ना ही डॉट 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 लगा है जिससे कि पता चले कि ये अभी डिवीजन चल रहा है. तो यानी कि ये नंबर तो हो गया टर्मिनेटिंग, सो इट वुड बी अ रेशनल नंबर. तो ये रेशनल नंबर तो हो सकता है. अब रेशनल नंबर कैसे बनाना है, इसको इस नंबर के अपॉन में 1 लिखिए, ऊपर से डेसिमल हटाइए, और डेसिमल के राइट साइड में जितनी डिजिट्स थी, देर आर 9 डिजिट्स, तो नीचे हमें 1 के बाद 9 ज़ीरोज़ लगा लेने हैं. जैसे डिनोमिनेटर हमारा
10 की पावर 9 हो जाएगा, राइट। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 9 into 5 की पावर 9, यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 9 into 5 की पावर 9 हो गया। तो जो कहा गया था, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, हैंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द टर्म्स ऑफ 2 and 5। नाउ सेकेंड पार्ट, बेटा ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आप देखिए इसमें लास्ट में डॉट 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 लगा है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और देखिए कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा हो बार बार, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि डेसिमल जो होते हैं टू फॉर्म में होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो एक रिपीटिंग होता है एक नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग वाला रेशनल होता है लेकिन नॉन रिपीटिंग वाला इरेशनल होता है। फिर थर्ड पार्ट, इसमें देखिए डेसिमल के बाद में 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक लिखा है, लेकिन उन 9 डिजिट्स पर बार लगा है, बार लगे होने का मतलब हो गया कि ये इतना सेट ऑफ डिजिट जो है 9 डिजिट्स का सेट ये रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन ऑफ दिस क्यू विल हैव अदर देन 2 और 5।